रहेंगे फाइव स्टार में पर भूफे से दो केले और एक दही जरूर बैग में रख लेंगे चलाएंगे मर्सिडीज पर टायर में हवा भरवाते समय दस रुपए देने से हिचकिचाएंगे रेस्टोरेंट में विस्की पियेंगे सिंगल पर वेटर को हिचकिचाएंगे इट इज little more फूल एंड इज मनी change. बिकॉज us talk इज the मोर देन जस्ट foolish सिंड्रोम नेक्स्ट आप लाखों रुपए खर्च दोगे खाना खाने के लिए और यू नो अपनी हेल्थ खराब करने के लिए पर डॉक्टर के पास जब जाओगे उसकी हेल्थ ठीक करने के लिए आपकी लाइफ बढ़ाने के लिए तो यू विल अगेन हैगल के नहीं, नहीं यार वो आप फोन कर रहे हो एच ओ डी है नहीं एच ओ डी फोर्डिस दो हज़ार रुपये कंसल्टेशन का है हजार रुपये में कोई है क्या लेकिन हमें लुई बिटा बैग लेने में या वेकेशन में कोई दिक्कत नहीं है अच्छी जैकेट लेने में कोई दिक्कत नहीं है एक अच्छी शोरूम में जाओगे वहाँ बहस भी नहीं करोगे क्योंकि बी yeah. लेकिन आप एक छोटे शोरूम में जाओगे एक ऑन्टरप्रिनर के पास जाओगे आप हैगल करोगे क्योंकि इसमें मजा आता है बट पेनी वाइज साउंड फुलश इन माई लाइफ इज नॉट ओनली फाइनेंशियल इट्स अबाउट द डिस पाउंड by just being consistent, right? Wow. Uh, Work-wise, so it's just not a financial concept. It's a life concept for me. In a world where no one stops to think, talk or express, we bring social change in the language of the people. As all problems exist in the absence of good conversation, join a revolution that will transform life as we know it. Let's celebrate the hidden beauty in life's so called small moments. Welcome to the big on Small Talk. A fool and his <laughs> money. सून पार्टेड। हम रहेंगे तो फाइसर में लेकिन बूफे से दो केले और एक दही अपने बैग में जरूर रख लेंगे गाड़ी चलाएंगे मर्सिडीज लेकिन पंप पर बेचारे टायर में हवा भरने वाले को दस रुपए देते हिचकिचाएंगे सो so दोस्तों ये जो सिंड्रोम है पेनीवर्स पॉन्ड फूलिश का ये हम सबके साथ है एंड जितना हम इसके बारे में सोचते हैं इन रेट्रोस्पेक्ट पीछे उतनी हंसी आती कि हम कर क्या रहे हैं सो so, हमारा मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ स्विस uh, मिलिट्री में वी हैड अ वेंडर दोस्त था तो ही वॉज़ वर्किंग विद मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम क्योंकि हमने मशीन्स भी लगा के दी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की एंड उसके अंदर हमने क्या किया कि वी सेड के आप मशीनरी uh, लगाओ एंड ही वॉज सप्लाइंग पैरल्स बहुत बड़ी फैक्ट्री उन्होंने लगाई गुड़गांव के पास तो वही टोल में इंश्योरेंस ले लो तो हाँ भैया मैं ले लूँगा कोई टेंशन नहीं है कर लूँगा साल हो गया डेढ़ साल हो गया ऑलमोस्ट एक टाइम पे मतलब बहुत मेजर स्टॉक उनके पास पड़ा हुआ था हमारा एंड द एंटायर फैक्ट्री वॉज गटेड एंड नथिंग वॉज लेफ्ट तो आई गॉट द न्यूज़ ऑब्वियसली हो जाता है शॉर्ट सर्किट होता है नए फील्ड के चलो यार चलता है वेरी कूल यार कूलिया अकॉर्डम ऐसे चलो यू नो अमित आपका ही साथ ही हो गया डजेंट मैटर एंड इसकी आप इंश्योरेंस क्लेम ले लेना एंड द सारे ट्राइंग ऑन द फोन तो मैंने कहा क्या हो गया तो so मुझे क्या था जी इंश्योरेंस तो ली नहीं तो मैंने कहा मैं तेरे को डेढ़ साल से बोल रहा हूँ कहते भैया वो करनी थी मुझे लगा इंश्योरेंस का प्रीमियम जाता है कभी कुछ होता तो है नहीं आज तक तो कभी कुछ नहीं हो आज क्या होगा तो ये जो ये जो सिंड्रोम है कि आप आज दो पैसे बचाने के लिए अपने कहीं सैकड़ों पैसे अपने आप गवा देते हैं ये समझ नहीं आता ये लोग क्यों करते हैं सो आपका क्या टेक है इसके बारे में अनुज एक एक इंसिडेंस बताता हूँ हाँ हर एक घर में होता है हाँ हाउस हेल्प से कभी नेगोशिएट करते हुए देखा है तूने पाँच सौ रुपये मैम मेरा बढ़ा दीजिए हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं नेगोशिएट कर रहे हैं और वो फिर गायब हो जाता है नेक्स्ट डे और फिर तुम बर्तन धो रहे हो तुम साफ कर रहे हो <laughs> <laughs> <Okay. laughs> रात को पार्टी पे आप हजार रुपए लगा दोगे बिल पे लेकिन पाँच सौ रुपये गरीब को नहीं दोगे आप नहीं दोगे आप तो बड़ा अजीब सा एटीट्यूड है हम सब yeah, लोग का yeah. कि हमें छोटी छोटी जगह पैसे बचाने में बहुत ही मजा आता है आई वर्क विद सो मेनी यंग पीपल एंड देयर पेरेंट्स वो लोग आईआईटी की ट्रेनिंग में हज़ारों रुपए लगा देंगे आईवी hmm. लीग भेजना है बच्चे को कुछ भी करेंगे दो करोड़ की एजुकेशन तीन करोड़ की एजुकेशन में नो no टेंशन yeah. काम किस लिए किया मैंने जी. इसलिए तो किया कि बच्चे को आगे बढ़ते देखना है जी. बट हेजिटेट सो मच इन पेइंग टू अ काउंसलर दो हजार रुपये तीन चार हजार रुपए में काउंसलिंग सर्विस मिलती है अच्छा वेयर यू कैन टॉक अबाउट योर इनसिक्योरिटीज यू कैन टॉक अबाउट योर इमोशंस यू कैन टॉक अबाउट वट आई एम डीलिंग विद विद्रेस I get so many students, so many boys and girls who say, "Sir, can you fund that two thousand rupees for me? Because I really want to talk to that counselor." My God. Because my parents disapprove of it. Yeah, वो बोल रहे हैं वो free का counselor है ना college में उस school में उससे बात करो. so yeah. I find it very weird yeah yeah हम लोग आई आई टी की ट्रेनिंग में पैसे लगा देंगे आई वी लीग की एजुकेशन में ऐसे टीमें लगा देंगे सैट है ये स्कोर आना चाहिए लेकिन वो ड्रोन नहीं दिलाएंगे वो कैमरा नहीं दिलाएंगे विच कैन मेक आर चिल्ड्रन हैप्पी आई सीड ऑल द टाइम और काफ़ी बार लगता है जो लोग कर रहे हैं दोस्त कर रहे हैं वो यार मैंने भी तो किया वो है फॉर एग्जाम्पल वीवर इन होटल एंड द गॉज समल्स एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव जिन्स एंड बॉटकाज एंड सोन तो द बिल वॉज प्रशियल हम चार पाँच फ्रेंड्स गए हुए थे वीवर हर खान मार्केट तो अब वो जब हमने कहा टिप की जब बारी आई बेटे को बेचारे को देने के लिए तो यार क्या देना उस सर्विस चार्ज ऐड तो होगा किसी ने कहा नहीं ऐड हुआ हुआ तो दूसरे ने कहा नहीं अब तो लॉ गया हमारे को देने की जरूरत नहीं इट्स ऑलरेडी एड इन द बिल लो वट अब वो बेचारा यू नो सिंस इवनिंग वी व्यू देर एट सेवन टिल अबाउट ट्वेल्व थर्टी पाँच साढ़े पाँच घंटे हम बैठे हुए हैं वो इज बिंग सर्विंग आस एनी एंड लुक लाइक अ वेरी स्वीट केट यू नो तो बेचारा इक्कीस बाईस साल का होगा केम फ्रॉम बिहार यू वज टॉकिंग टू अस अबाउट इज लाइफ स्टोरी तो सडनली सडली बैक एंड सेट कि यार वो पाँच सौ रुपये देने में इन इन अ बिल विच इज थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ फॉर योर अल्कोहल चलो आपको पाँच सौ रुपये एस्ट्रा ही देने पड़ते हैं चलो ये सर्विस चार्ज इंडियन डेली गवर्नमेंट ने कहा कि आपको उसमें आप मिल के जाएगा पर क्या उतना देने में भी आपको और लगता है एंड ये मैंने भी किया हुआ यू नो जो मैंने शुरू में एग्जाम्पल दिया कि मैं भी पंप पम्पे जाता हूँ एंड वो जो हवा भरने वाला है पहले देखता देखते हो दस का नोट है कि नहीं है फिर देखता हो यार तो बीस का नोट है पचास का नोट है अब लगता है यार हवा के लिए पचास रुपये कौन देता है यार यू नो एंड देन यू फील यार अच्छा पचास दे दूँ यू डोंट रियलाइज कि आपके लिए पचास रुपए इज नथिंग उस बेचारी की मतलब शायद शाम का खाना आ जाएगा यू नो अगली सुबह का ब्रेकफास्ट आ जाएगा वो बेचारा फटे हाल में आपका वो टायर में हवा भर रहा है एंड आई फील कि यार हम सब करते हैं ये सम विरोधी अधर एंड बिगेस्ट एग्जाम्पल जो आप दे रहे हो इज़ के आप लाखों रुपये खर्च दोगे खाना खाने के लिए और यू नो अपनी हेल्थ खराब करने के लिए पर डॉक्टर के पास जब जाओगे उसकी हेल्थ ठीक करने के लिए आपकी लाइफ बढ़ाने के लिए तो यू विल अगेन हैगल कि नहीं नहीं यार वो आप फोन कर रहे हो एच ओ है नहीं एच ओ डी फोटेस चार्जिंग टू मच वो दो हज़ार रुपये कंसल्टेशन का है हज़ार रुपये में को क्या इट्स लाइक सेम के ये मेरे साथ हो ये मेरे साथ हुआ सो अ गेस्ट केम यू नो एंड आई 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 आम अ वेरी सोशल ड्रिंक आई डोंट ड्रिंक टू मच तो आई डोंट नो टू मच अबाउट वाइन्स सुना हुआ है सुय ब्लॉन्स वही गुड बस वो ये दो नाम मैंने सुने हुए हैं दैट्स ऑल इन नो अबाउट वाइन्स तो मैंने अपने नीचे उसको बाहर वाले को फ़ोन किया द गए जो ठीक है तो so, यार एक वाइन भेज दे कहता है सर वो पहले, आ, पैसे तो हाँ। पहले <laughs> तो दोस्त कोई वाइन बता दो आ रहे हैं कहता है सर नासिक की सोला वाइन है बड़ी अच्छी वाइन है वेरी गुड कितने की कहते छह सौ रुपये की मैंने कहा पागल यार गेस्ट आ रहे हैं थोड़ी महंगी वाइन बता कहता जी ओके okay। कहता जी फ्रेंच वाइन है साढ़े चार हजार की मैंने कहा इतना भी नहीं बीच की बता

स्ट्रेंज so uh, मैंने किसी का घर बनाया था और उनके कोई बड़े क्लोज गुट uh, का फ्रेंड्स थे दीज आर दीपल सीम टू हैव एप्सल्यूटली शिट क्लोज ऑफ मनी एंड पैसा बिल्कुल पानी की तरह बहाते हैं अपने घरों को ब्यूटिफाई hmm. करने के लिए जी. तो उन्होंने कहा ऑफिस आए कहा मैडम आपका काम तो बहुत पसंद आया पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि uh, जो हमारी आप बार बनाएंगे okay. उसमें एक बतख लगाइए बतख के मुंह से पानी बहना चाहिए झरने की तरह तो ये हमारी पर्सनल रिक्वायरमेंट है so you did the project? आ, नहीं अनुज बड़ा सोचा <laughs> पैसा बहुत ल्यूक्रेटिव था जी। और देखिए सबको अट्रैक्शन होती है कि थोड़ा एक्स्ट्रा कमा ले फिर थोड़ा बाय प्रेजेंस ऑफ माइंड दिमाग में ये आया कि अगर बत्ख के मुंह से झरना निकाल दिया तो इसके बाद कोई डीसेंट क्लाइंट तो नहीं मिलेगा बट पेनी वाइज साउंडफुलिश इन माई लाइफ इज नॉट ओनली फाइनेंशियल इट्स अबाउट द डिसक इज रिशनशिप राइट यू नो यू बीन पेनी वाइज विद लॉर्ड ऑफ मोमेंटरी प्लेजर एंड लॉस्ट ऑन दाउंड बट जस्ट बीन कंसिस्टेंट राइट वर्क वाइज सो इट्स जस्ट नॉट अ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट इट्स अन्सेप्ट फ्रॉम मी राइट यू नो यू कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज समथिंग आई हेव लर्न नाउ that one step at a time will take you to the journey where you meant to. the whole point of traveling is to come back at where you started, right? Wow. Uh, i have now started to realize, right? Penny wise, pennywise, pound foolish, is relationships, is decisions, is life, is, is everything that is, if it's important, it's a book that you read. we uh, pound... Don't be penny foolish. Read books that will change your life. And read books that will make a difference in your life, right? Uh, just be consistent. For me, um, one very solid example is I would look at the smallness to small expenses. I might think of them twice. Okay. But when it comes to big expenses, so when it comes to traveling, I travel a lot. I take Zee. my family for traveling. So I'd end up buying. We, we think of traveling internationally. We'll think of economy class. But right at the end minute when I'm,

लेकिन हमें लुई बिटा बैग लेने में या वेकेशन में कोई दिक्कत नहीं है अच्छी जैकेट लेने में कोई दिक्कत नहीं है एक अच्छी शोरूम में जाओगे वहाँ बहस भी नहीं करोगे क्योंकि यू यू सपोज टू बीव लेकिन आप एक छोटे शोरूम में जाओगे एक ऑन्ट्रप्रनर के पास जाओगे आप हैगल करोगे क्योंकि उसमें मज़ा आता है आई डोंट नो हाउ यू आर एज अ डैड बट माई वाइफ मेक्स माई चिल्ड्रन गो थ्रू सम का इतने आराम से पैसे नहीं देते एंड आई सेड यार क्या हो रहा है देको नोट लेट दम अर्न इट लेट दम अर्न इट एंड आई सेव टिफरेंट फिलोसोफीज बट इट कुड वर्क आउट इन दॉन्ग रन सो दैट द अदर साइड ऑफ बींग पेवर्स फाउंड वेर यू थिंक यूर पे फाउंड फुलिश बट यू नो दे माइट भी समथिंग इन द लॉन्ग रन डू हैव एनी सच एक्सपीरियंस हाँ यार दो तीन थे कॉपोरेट्स का भी यू नो दर इज अ वेरी क्लोज क्लाइंट वर्किंग फॉर अस विच इज अ फार्मा

मतलब well, फार्मा में तो यार महीना बहुत होता है तीन साल तो बहुत लंबी बात हो गई एंड दिस मैसिव जॉइंट ऑफ अ फार्मा इट वेंट डाउन सो इट वॉज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बींग कंप्लीटली वाइज पाउंड फूलिश जहाँ आपने अपना मतलब वो जो बेसिक रीजन ऑफ हुआ वो द फाउंडेशन स्टोन ही पूरा हिला दिया कि जी आज पैसे बचा लो सो दैट वॉज वन एंड यू नो यू डोंट डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज दिस आर ग्लोबल एमेंसीज एंड यू सी सच ब्लंडर्स हैपनिंग एंड ये मेरे साथ एक चीज़ हुई हम ना अपने फ्रेंड्स काफी सारे थाईलैंड गए एंड ऑल कपल्स पी वो ऑल गोइंग सो एक जगह यू नो दिस वन ऑफ द फ्रेंड्स वाइफ शी वॉन्ट टू बाई अ प्रॉपर ब्रांडेड बैग सो शी वैन इन टू अ एल वी शोरूम एंड शी बॉट एन एल वी बैग एंड जो भी था यू नो शी बॉट द बैग सो दस्बैंड केम टिपिकल के एनी डिस्काउंट्स एनी ऑफर्स तो आई डोंट डोंट आस्क एल वी तो उसने कहा ठीक है यार पूछने में क्या जा रहा है क्या बता दस पंद्रह परसेंट डिस्काउंट देते एंड विद दट वैल्यू ऑफ अ बैग मतलब लाख डेढ़ लाख का बैग है अगर पंद्रह परसेंट है तो काफ़ी अमाउंट बन जाता है तो उसने उसको चुप करा दिया चलो जी हम आगे गए पीछे के लेन में अब पीछे लेन में जो आगे की लेन है उसके सारी कॉपी और काउंटर फीट्स पीछे की लेन में अब जी फिर से एक उसके अंदर घुसे नाउ द सेम लेडी सेम हस्बैंड ऑल ऑफ अर स्टैंडिंग बिकॉज बट वीर बाई यू आर जस्ट लुकिंग अराउंड एंड यू नो सेल्फियाँ ले रहे हैं जो भी हैं अभी इसने फेक बैग का पैसा उठाया उसने बोला जी दो हज़ार रुपये का नो नो नॉट टू चार्ज इट शुड बी फिफ्टीन हंड्रेड सामने तो जी हज़ार रुपये का हमारे को मिला है तुम इतना क्यों बोल रहे हो ये ज्यादा है अब हम हंस हंस के वो करेंगे वहाँ उसने उसको रोक दिया ओरिजिनल बैग डेढ़ लाख रुपये को तुम ले लिए जो तू कह रहा है यू विल सो मच मनीयर बट विल स्टार्ट हैगलिंग ऑन दी स्मॉल थिंग्स तो चल उसने पांच सौ रुपए एक्स्ट्रा भी आपसे अगर कमा लिए बेचारे यू you नो know, दुकानदार ने क्या वो खाड़ लेगा और अल्टीमेटली दो हजार का अठारह सौ रुपए उसने दिए पंद्रह मिनट हमारे खा गए हम बैठे रहे हंसते रहे आधे खाना खाने चले गए आधे चले गए बीच पे बट इन्होंने हमारे पंद्रह मिनट खा लिए और दो सौ रुपए बचा के ये आधे घंटे में मूड अलग खराब हुआ देखिए मैक सो यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड एन फैदम हाउ दिस ह्यूमन ब्रेन फंक्शन और अब बाद में बोलो तो वो भी हंसते हैं कि हाँ यार मैं क्या कर रही थी अच्छा उस, हाँ पर ये और तू मेरे को जानता ही है सो आई मेड अ लॉट ऑफ ऑफ फन दिस मैं पूरे पूरे ट्रिप पे मैं मजाक कर रहा था इसका कि यार इनसे मत पूछना ये आधा घंटा ले लेंगे मैं ऑर्डर कर लेता हूँ मैं बाद में हिसाब कर लूंगा बट वन आई कि तू कर क्या रही थी एन चीज़ लाइक हाँ यार इट्स जस्ट आपकी मेंटल कंडीशनिंग कितनी हो गई है आप रियलाइज ही नहीं करते आप क्या कर रहे हो यू नो यू यू एक्ट एंड इट इज़ सोशल प्रेशर और यू रिमेंबर पीपल हैगलिंग वेन यू गो टू अ सदर बाजार पालिका बाजार बट आप अगर ऑब्वियसली अगर आप यू you नो know, ए अरमानी के शोरूम जा रहे हो इम्पोर्टियो उसके yeah. अंदर आ मीन या यू कैन't बिकॉज़ सदली यू हैव अ स्टेचर एंड सदली योर हस्बैंड इज़ देर एंड फ्रेंड्स आर देर एंड यू आर हैगलिंग एंड आस्क मुझे बोलो आप पूछोगे भी नहीं सेम पर्सन इन टू डिफरेंट इंसिडेंट्स सो इट ब्लाउज मी अवे सो आई � Not order samosas on Swiggy because yeah. it will charge you 60 rupees car delivery fee, and then you will want to go there, drive there, and get those samosas <laughs> to save those 60 rupees. For parking, paper for fuel. Exactly, yeah. And, yeah. You, like and time right? Yes. productivity is the highest. Um, I mean, the highest thing today. Productivity is so yeah. important. Yeah. So you lose out on your productivity. You so you think that's that's how we think. And the stress factor. And the stress factor for yeah. for sure. So aisa hai ki, ek to taj, mein, taj Hotel hai. एक मेरा बाथरूम का कबड़ है

कोई फिर से नेगोशिएट नहीं करेगा डोंट गो फॉर द फाइव हंड्रेड रुपी मार्केट एंड आई स्टिल थिंक वाओ वा ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस हम ऐसा करेंगे कि हाई एंड टेक्सटाइल में करेंगे लो एंड में नहीं करेंगे क्योंकि बेचना ना बड़ा मुश्किल होता है हाई एंड में मुश्किल नहीं होता Chai, क्योंकि कंपेरेबली है आइटम सेम है सेम <laughs> <Same laughs> है <laughs> <laughs> मैं तो इज्जत दे रहा था कि चलो जी कंपेरेबली सेम है अच्छी तरह ब्रांड कर रहे हो अच्छा शोरूम में डाल दिया तुमने यू डिस्करेज नेगोशिएशंस तो क्या हुआ वी वार लॉन्चिंग अ न्यू सन ग्लास रेंज फॉर स्विस मिलिट्री इन इंडिया एंड इट वॉज अ न्यू डिविजन फॉर आस इन द इंडियन कॉन्टेक्स तो हमने क्या किया वी वेन टू अ कपल ऑफ कंपेटर्स ए खास कंपेरेटर वू इज़ बिग कंपेरेटर एंड वी ऑर्डर अ कपल ऑफ द एविएटर्स फ्राम दैम अब मैंने कहा क्या एक ही एविएटर मंगाओ ताकि वी कैन कंपेयर सेम ग्रे एविएटर सेम यू वी फोर हंड्रेड सेम कैट थ्री एवियटेबिंग दैट मेटल ग्लास विद यू नो फ्रेम क्या किया हमने ना वी ऑर्डर्ड सो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम सेवन थाउजेंड सात हजार नौ हजार बारह हजार पंद्रह सोलह हजार के हमने छे मॉडल मंगा के hmm. रख लिये अब हम उसको देख रहे हैं सारे हैं चार लोग खड़े हुए हैं सोर्सिंग मार्केटिंग फाइनेंस एन मी आर एंड डी एंड वी लुकिंग एट सेम किया मुझे नहीं समझ आ रहा तो एक सात का क्यों एक सोलह का क्यों है तो ऐसेड नहीं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता यार पैकिंग देखो तो पैकिंग एक्जैक्टली सेम वही लकड़ी का डब्बा अंदर खोलो अंदर लेदर का केस अंदर चश्मा पड़ा हुआ मैंने कहा इसकी स्पेक्स देखो चारों में एग्जैक्टली सेम स्पेक्स यू वी फोर वॉन्टेड कैट थ्री ब्ला बला अब हम बैठे हों यार हो क्या रहा है सिर्फ फर्क क्या मॉडल फर्क है एंड द शेप ऑफ द एवीट इज किसी का ऐसा लेंस है किसी का थोड़ा यूँ किसी का थोड़ा यूं ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट शेप सो वॉट द कॉम्पटिशन इज डूइंग इज प्लेइंग इन कंज्यूमर साइकोलॉजी के अगर मानव सुबोध खरीद रहा hmm. है मानव वॉन्स द बेस्ट वो कहता है यार चश्मे हैं मेरी ना वो आई मीन द सन रेज शुड बी ब्लॉक आई डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज मैं तो यार सोलह हज़ार का चश्मा लूंगा वही चश्मा अगर अनुसानी लेता है एंड से नहीं यार आई एम ओके विद द बेस लेवल आई एम ओके विदम सन ग्लास सेम स्पैक सेम पैकेजिंग इज आई एम बी बॉट आई एम बाइंग एट ए सेवन थाउजंड विद नो चेंज वॉट्स यू आर हैप्पी बिकॉज यू आर बाइंग एंड यू फीलिंग सेटिसफाइड आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम फीलिंग वॉट बट द सेम थिंग हैज बीन प्राइस बाई टू एंड हाफ टाइम्स मोर टू द कंज्यूमर बिकॉज दे कंज्यूमर प्लिंग विच इज बेसिकली बींग पेनी वाइज वाउनफुल फ्रॉम द कंज्यूमर एंगल बट हाउ दिस कॉपरेट्स यू

वो सोच ही नहीं सकते यू नो इट सम ब्रांड बिकॉज आई एम ऑन दिस साइड ऑफ थिंग्स यू नो आई एम ऑन दिस साइड ऑफ द फेंस होता क्या है कि द कंज्यूमर्स एक्ट वेरी वेरी स्ट्रेंज आई टेल यू हाउ अब हमने पेन लॉन्च किए पंजाब में बड़े अच्छे चल रहे थे एवरीवेयर uh, बट पंजाब इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर अस एंड बी अ नॉर्थ सेंट्रिक ब्रांड एट दैट टाइम बी सेट यार रिटेल में पेन क्यों नहीं चल रहे सो व्हाट वी डिड वाज हमने ना वहाँ पर uh, एक बहुत मेजर रिटेल आउटलेट है इन चंडीगढ़ सेक्टर 18 तो हमने उसका वहाँ पर कहा कि यार यहाँ अगर है तो यहाँ तो सेल होगी होगी हर जगह हो रही है अच्छा पेन है अच्छी प्राइस है स्वस्पिलिटी ब्रांड है वन नॉट चलो जी वहाँ हमने बेचा महीने में तीन पेन बिके आई गॉट वेरी फ्लास्ट मैंने कहा बहुत दिल इज गोइंग ऑन टीम नहीं जा रही डिस्प्ले नहीं है वॉट इज गोइंग ऑन एंड मी बींग मी मैं सुबह छः बजे मैंने गाड़ी उठाई अपने मार्केटिंग वाले को बोला जी के मैं नीचे आया बाई टेन थर्टी वर इन चंडीगढ़ शटर खोले मैं खड़ा हुआ था डिस्प्ले देखा फैंटास्टिक डिस्प्ले कैश काउंटर के नीचे लगा हुआ है मैंने कहा ये चक्कर क्या है सेल क्यों नहीं हो रही प्राइसिंग देखी कैटलॉग देखा सब कुछ डिस्प्ले है? सेल्स पर्सन से बात की बंदे ने क्या उसको एक्सप्लेन किया ऐसे मैं पे नहीं एक्सप्लेन कर सकता अपना तो मैंने कहा सेल क्यों नहीं हो रही मैंने कहा लोग आ रहे कह सर मतलब खड़े होने की जगह नहीं है फेरीजेंज मैं नहीं कैश काउंटर के पीछे आ गया हिरन से हु द पर्सन इज सो पहला बंदा आया करतार सिंह हस्बैंड वाइफ बच्चे साथ में ज्यादा खींची तुमने तो कहा यार पेन दिखाओ तो ऑब्वियसली मैं खड़ा था उसमें मेरे ही पेन स्विस सीट्री का पेन देखो अरे बड़ा अच्छा है यार स्विस स्विस्मिन रिफिल फाना डमकाना हाँ बड़ा अच्छा भी ये भी पैक कर दो ये भी पैक कर दो मैं और सोचू यार पहला बंदा आके छः पेन खरीद गया मतलब ले लेने वाला है तो सीन क्या है हम महीने में एक पेन कैसे बेच रहे हैं तो जी इसने बोला भी कितने का पेन है तो उसने कहा जी ढाई हज़ार का साढ़े तीन हज़ार का साढ़े पाँच हज़ार का बारह सौ का कहता है इतने सस्ते पेन करतार सिंह लेगा उसने हाथ ऐसे किया सारे पेन ने साइड पे कर दिए कहता है महंगा कुछ दिखा चलो जी उसने कोई फलाना डिमका फिंक फंगटी नाम को कोई इटालियन ब्रांड दिखाया कि जी ये कहता वो छोड़ है कितने का कहता है ये पच्चीस हज़ार का पैक हाँ ये पैक कर कर ये लेगा भाई साहब उसने आठ पेन पैक कराए ढाई लाख रुपये का बिल बनाया और वहाँ से बाहर हो गया ओके लेसन लर्न मैं वापस गया मैंने सेम पेन अलग पैकिंग अलग कलर में आया मैंने एम पे ज़ीरो ऐड कर दिया तुमको पता पहले महीने की सेल में कितनी थी सवा सौ पेन पर बंदा नहीं उसको कन्फर्म कर रहा है और वो नहीं मान रहा कि जी हो ही नहीं सकता अच्छी क्वालिटी आप दे रहे हो मैं तो जी जब तक तो ढाई लाख रुपये नहीं खर्चूंगा मैं सैटिफाइड नहीं हूँ सुबिएट सो यू नो दिस दिस पेनी वर्स पाउंडफुलिश सिंड्रोम इज सो डीपली इन्ग्रीड इन पीपल कि महंगी विस्की पियेंगे तो कौन सी विस्की पी रहा है मैं नहीं मैं तो सिंगल आपको सिंगल मॉल्ट का टेस्ट नहीं पता मैं आपको आज कोई ठर्रा पिला दूँ वो पिला दूँ आपको फर्क नहीं पता बट आपने लोगों को दिखाना है कि भाई आप तो यू नो यू अ सिंगल मॉल्ट एंड यूर ओनली इन टू हेनेसीज ऑफ द वर्ल्ड फेयर फेर ऑफ इट

तो आप बताइए कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं आपके साथ वो इंसिडेंट्स बताइए जो हुए हैं और लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द बिग स्मॉल टॉक